बालों का झड़ना एक बहुत नॉर्मल चीज है। हर व्यक्ति के रोजाना कुछ संख्या में बाल झड़ते हैं और नए बाल उगते हैं। हालांकि जब बाल काफी ज्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं तो एक ये चिंता का विषय बन जाता है। आज तबीयत पानी की इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बालों के झड़ने का कब नॉर्मल होता है और कब नहीं। सबसे पहले जानते हैं क्या है नॉर्मल बालों का झड़ना। औसतन एक व्यक्ति के प्रतिदिन 50 से 100 बाल झड़ते हैं। जब ये बाल झड़ते हैं तो उनकी जगह पर नए बाल उगते हैं, जिससे बालों के झड़ने और बढ़ने के बीच संतुलन बना रहता है। को बता दें, नॉर्मल हेयर फॉल में व्यक्ति को बाल पतले होना और गंजेपन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अब आपको वो संकेत बताते हैं जो आपको हेयर फॉल नहीं है नॉर्मल वो बताते हैं। नहाते और सोते समय तकिए पर बहुत ज्यादा बाल, अगर आपको अपने तकिए पर बहुत ज्यादा बाल गिरे हुए दिखाई दे, या जब आपके सिर धोते हैं तो उस वक्त आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ये असामान्य बात है। बालों का पतला होना, अब बताते हैं कि बालों का पतला होना और सिर के ऊपरी हिस्से में बाल लगातार कम होना असामान्य हेयर फॉल का कारण हो सकता है। तीसरा, हेयर लाइन का चौड़ा होना। अगर आप बालों के दो हिस्से करते हैं और आपकी हेयर लाइन में काफी ज्यादा गैप है तो इसे असामान्य माना जाता है। पांचवा, स्कैल्प्स की स्थिति। कई बार स्कैल्प्स के गंदे रहने या सिर में डैंड्रफ आदि होने से भी बाल झड़ने लगते हैं। छठा पॉइंट आता है दर्द और असहजता के बारे में। अगर बाल झड़ने के साथ ही आपको स्कैल्प्स में और हेयर फॉलिकल्स में दर्द हो रहा है या किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा भी कर सकता है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट बालों के टेक्सचर के बदलाव के बारे में। बालों का काफी ज्यादा ड्राई होना और आसानी से टूट जाना असामान्य हेयर फॉल की ओर इशारा करता है। अब आपको बताते हैं असामान्य हेयर फॉल के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, कई बार बालों का पतला होना और गंजेपन की समस्या का मुख्य कारण फैमिली हिस्ट्री होती है। हार्मोन्स में बदलाव, कई बार PCOS, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के कारण भी असामान्य हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी आती है मेडिकल कंडीशन। कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिजीज और पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बहुत अधिक मात्रा में हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर आता है मेडिकेशन। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर ट्रीटमेंट और डिप्रेशन आदि की दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें भी असामान्य हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। सबसे जरूरी पॉइंट आता है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस रेडी की वजह से टेलोजन एप्लूवियन नाम का हेयर फॉल ट्रिगर हो जाता है। इसमें तनाव के कारण हेयर फॉलिक्स टूट के रेजिस्टिंग फेज में प्रवेश कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है टाइट हेयर स्टाइल। टाइट पोनीटेल बनाना या बालों को काफी ज्यादा टाइट तरह से मोड़ कर रखने के कारण भी सामान्य हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDTV भारत।